राजीव भाई कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम आए मजरा घूमने के लिए। क्या क्या है मजरे में? मजरे में हिरन है, ऊंट है, बकरी है, तो और क्या चाहिए आपको? और क्या, शुतुरमुर्ग है? हाँ शुतुरमुर्ग है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं हम आपको शुतुरमुर्ग। रास्ता देखो कितना अच्छा है, लग ही नहीं रहा कि सऊदी अरब में घूम रहे हैं। एक्चुअली हम गर्मी के सीजन में आए ना, ठंडी के सीजन में आए थे तो पूरी की पूरी हरियाली हरियाली रहती है, तब तो और मजा आता है। चलो नेक्स्ट बार आएंगे तो सर्दी में आएंगे इंशाल्लाह। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज मैं इस वीडियो में बिल्कुल ही अलग चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ जो कि अभी तक की आपने मेरे चैनल पर नहीं देखी होगी। आज मैं आ चुका हूँ खजूर के बाग में, तो आपको दिखाऊंगा यहाँ पर सऊदी अरब में कैसे खजूर के बाग होते हैं और यहाँ पर क्या क्या होता है बाग में, और भी जैसे कौन कौन चीज़ों की खेती होती है, और यहाँ पर ऊँट हैं, बकरी हैं, हिरन हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, तो आगे आपको दिखाऊंगा यहाँ पर क्या क्या है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा मजरे का नज़ारा। खजूर की बाग में आए हैं तो आपको सबसे पहले दिखाते हैं खजूर का पेड़। आप देखिए ये खजूर का पेड़ है और इसमें खजूर लगे हुए हैं, लेकिन ये अभी पके नहीं हैं, पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये सीज़न अभी स्टार्ट हुआ है। लगभग एक महीने में ये खजूर पक कर मार्केट में चले जाएंगे। खजूर के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। देखिए आप यहाँ पर नींबू के पेड़, संतरे के पेड़, बहुत सारे और भी यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, और इनको धूप से बचाने का भी पूरा इंतजाम किया गया है। ये हमारी सवारी है, इस पर हम बैठकर जाएंगे ऊंट, बकरी, हिरन और भी बहुत सारे जानवर देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं। एकदम एक नंबर, बहुत मजा आ रहा है पता जी। हाँ भाई बहुत। नाजिम कहाँ जा रहे हैं अभी? हिरन के घर में। चलो चलते हैं। अंडे 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 कहाँ है? अंडे दिखाई तो दे नहीं रहे। अंडे हाँ वो रखे हुए हैं, देसी अंडे का भी। देखो ये मशीन है जिससे बच्चे निकाले जाते हैं, यानी अंडे इसमें रख के टेम्परेचर सेट कर दिया जाता है, उसके बाद बच्चे निकलते हैं। और थोड़े बच्चे निकल सकते हैं, निकल चुके हैं। देखो थोड़े बच्चे निकल चुके हैं। बंद करो उसको, नाम वाला। ये देखो नदीम। हाँ ये बच्चे इसी मशीन से निकले हैं। दो अलग अलग दूध है ना। अंडे रखे हुए हैं मशीन के अंदर, ये देखो, और उसके बाद बंद करके। साथ चल रहा है, इससे दोस्ती हो गई है, लगता है कुछ ज्यादा ही खिला दिया इसको। ये देखो कैसे छुप के देख रहा है। इसको तुम बैठ के दिखाओ ना, ये देखो तुम बैठोगे एकदम घोड़े का मजा आएगा भाई। तुम भी बाहर निकाल लो, घोड़े का मजा आएगा। जाओ बैठो, जाओ नदीम बैठो, जाओ। मोटी मोटी जो निकला है ना, हाँ जाओ बैठो, जाओ ठुमके मारेगा एक साथ। सही है।
भाई 400 बकरी थे, अभी कम हो गई, इतने ही खाने के लिए रखा है, ये सिर्फ खाने के लिए। और नदीम कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। तुम्हारे मजरे में यार बहुत कुछ है। मेरा नहीं है भाई, मेरे कपिल का मजरा है। जिसका भी है, लेकिन है तो बहुत कुछ, बत्तख मोर सब कुछ दिखा रहा है। देखो मुर्गी के बच्चे भी डाले, बत्तख के अंडे रखे, वो अभी बच्चे देने वाली है। ये अंडे रखे हुए हैं और ये देखो छोटे छोटे से बच्चे, ये देखो उससे थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, काफी कुछ देखने के लायक है। इसमें भी है, इसमें अंडे रखे हुए हैं, देखो ये अंडे हैं, ये छोटे छोटे से बच्चे हैं। ये जंगली कबूतर है, इधर देखो कबूतर बहुत सारे जंगल में। तो आपने देखा यहाँ पर बहुत कुछ है देखने लायक, यानी मजरा है और मजरे में ही ये लोग बना लेते हैं अपना, उसको बोलते हैं इस्तराहा, यानी छोटी छोटी जो पार्टीज होती हैं, जो फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, उनके लिए बनाते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। उसको हाथ से थोड़ा पत्ती खिलाओ ना, प्यार दोगे तो प्यार लोगा वो। यहाँ पर आप देखेंगे एक फार्म हाउस भी बना हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत है। चलिए चलते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं कि ये कैसा खूबसूरत सा फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस के अलावा भी एक यहाँ पर छोटा सा और एक फार्म हाउस बना हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर भी लोग आते हैं, पार्टी करते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलता है पूरे मजरे का और चारों तरफ हरियाली है। आप देखेंगे यहाँ पर घास लगाई गई है जो कि बकरी हिरन के लिए है। Thank you.
चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी ही वीडियोस मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बाय बाय।